हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल यू मी ई टी सी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आरबीआई का जो आदेश था उसके अकॉर्डिंग सारी बैंकों को बोला गया था कि आपके कस्टमर्स के जितने भी पुराने कार्ड यूज हो रहे हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले, उन सबको चेंज कराना है ईएमबी चिप कार्ड में। तो 31 दिसंबर 2018 इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। 31 दिसंबर 2018 तक अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे या फिर डीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने न्यू कार्ड चेंज करा लिए होंगे और आप उनको यूज कर रहे होंगे। अगर आपने नहीं कराया है तो आप अभी भी टाइम है दोस्तों, 2 दिन का, आप जाके अपनी बैंक से करा सकते हैं। अब दोस्तों, न्यू कार्ड अगर आपने ले लिया है तो उसके बावजूद भी कुछ 2-3 ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जो हम कई बार इस गहमागहमी में भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ अगर आप याद नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका न्यू कार्ड आपके पास आ गया है, आपने उसे एक्टिवेट कर लिया है। अब दोस्तों, कुछ बातों को हम भूल जाते हैं जो आपको नहीं भूलना है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात, कई जगह पर जैसा कि हम सभी लोग ऐसा करते हैं कि कई जगह पर ऑटो पेमेंट ऑप्शन चालू करके रखते हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस डाल के रखते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ बातों को आपको इस डेबिट का जो चेंज करने की प्रोसेस है उसके साथ जोड़ के ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली बात, आपका कार्ड आपके पास आ गया है, एक्टिवेट हो गया है, तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, 1 तारीख से आपके जो पुराने कार्ड सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे या इनवैलिड हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर उन पुराने कार्ड के थ्रू आपने कोई भी ऑटो पेमेंट ऑप्शन या इंस्ट्रक्शंस दे के रखी होंगी, वो भी इनवैलिड हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वो सारी इंस्ट्रक्शंस भी इनवैलिड मानी जाएंगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला काम अपने न्यू कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद करना है कि आपको अपने उस ऑटो पेमेंट वाले जो ऑप्शन हैं उनको मॉडिफाई ऑप्शन में जाके एडिट करना है। उनमें जाके आपको जैसा कि पता है कि नया 16 डिजिट का नंबर मिलेगा आपको, न्यू एक्सपायरी और न्यू सीवीवी नंबर मिलेगा, तो वो सारा आपको अपडेट करना है। तो दोस्तों, अब इस इंफॉर्मेशन को आप ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं, तो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको जो करना है, आपको अपनी जो बैंक की नेट बैंकिंग साइट्स है या ऐप है उस पर जाना है। जैसे ही आप नेट बैंकिंग साइट को ओपन करेंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जी हाँ दोस्तों, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे और उस पर जाके क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है मॉडिफाई ऑप्शन। और मॉडिफाई ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद उसमें जाके आपको दोस्तों अपना 16 डिजिट का जो नए कार्ड का न्यू नंबर है वो अपडेट कर देना है, एक्सपायरी डेट अपडेट कर देनी है और सीवीवी नंबर अपडेट कर देना है, जिससे कि सारे ऑटो जो पेमेंट रहेंगे वो आपके न्यू कार्ड पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये ज़रूर करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अगर इस चीज़ को नहीं भूलेंगे और इसे टाइम पर अपडेट कर देंगे तो आपको काफ़ी सारी इनकन्वीनियंस से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सारे अगले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें। तो दोस्तों, थैंक यू।